हेलो दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों देखिएगा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर है, जो कि बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा, यानी कहने का मतलब है कि LET यानी लाइब्रेरियन एबिलिटी टेस्ट, जिस तरह जो है हम लोग देते थे टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं, बी टेट दे रहे हैं, उसी तरह जो है यहाँ पर इसका जो है बहाली जो भी होगा वह LET यानी लाइब्रेरियन एबिलिटी टेस्ट आपको देना ही है। जितने लोग यह जो है एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, लेकिन मैं एक सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि देखा जा रहा है इस कोरोना महामारी को लेकर, इसमें जो है सबसे पहली एक अपडेट आई थी, जो कि शिक्षा मंत्री के तरफ से जो अपडेट आई थी फरवरी के लास्ट वीक में, जो है उनका एक स्टेटमेंट आया था इस बहाली को लेकर, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई भी इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं देखा गया है। इससे रिलेटेड जो है अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा उस समय यह उनका कहना था, यह उनका मानना था। देखिएगा, मैं आपको उनका कहा थोड़ा सा मैं उस पर आपका नज़र मैं लेकर जाना चाहता हूँ। पहले जो है देखिएगा, यहाँ पर इनका कहना था 900 हाई स्कूल और 300 जो है कॉलेजों में जो है नियुक्ति की प्रक्रिया का बात किए थे, ठीक है दोस्तों, जो कि जो है बिहार SSC के माध्यम से यह पूरा किया जाएगा, उनका यह बयान था। जी हाँ दोस्तों, किनका बयान था? शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का यह बयान था, जिन्होंने विधान परिषद में जो है प्रेमचंद्र मिश्रा के जो है सवाल के जवाब में उन्होंने यह जवाब दिए थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। उस समय यह बोला गया था कि मैं इसकी प्रक्रिया में लगा हूँ, तैयारी करने में लगा हूँ, यानी अभी लगे थे, अभी तैयारी है इसका, अभी कोई नहीं तैयारी हुआ है, कुछ भी अभी तैयारी नहीं हुआ, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और भी अगर यह कोविड नहीं रहता तो अभी तक इसके बारे में जो है कुछ न्यूज़ मिल गया होता, पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को मिला होता, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो भी है, वहीं पर यूपी टेट के पर भी जो है वहाँ पर ग्रहण लगा हुआ है इस कोरोना महामारी को लेकर, ठीक है। तो यहीं पर देखा जा रहा है कि CBSE ने भी अपना जो है जो भी जितनी भी एग्ज़ाम थी वो सारी एग्ज़ाम जो है पारापारी एक एक करके सारी एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। वहाँ पर हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा जो है लाइब्रेरियन भर्ती की जो है नोटिफिकेशन निकलेगा? अभी जो नोटिफिकेशन निकलने वाला था वो नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है, जो नोटिफिकेशन निकल चुका था उसको जो है पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। तो वहाँ पर हम बिहार की बात करें तो बिहार में इतनी तेज़ी से नहीं होता है कोई भी प्रक्रिया। यहीं पर देखा गया कि ये स्टेट का एग्ज़ाम लेने के लिए जो है कई दफ़ा जो है उस पर जो है क्या क्या हुआ, उस पर केस हुआ, दो बार तीन बार उसको कैंसिल किया गया, दो बार तीन बार उसका एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद में भी फिर भी अभी कुछ कैंडिडेट पास हो गए, उसके बाद भी उन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है, कभी कुछ अड़चन आ रहा है। तो इसमें हम लोग अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर यह महामारी इसी तरह रहा, अगर 1 से 2 महीना में अगर यह कंट्रोल हो जाता है, तो जिस तरह अगला बार देखा गया कि सितंबर अक्टूबर के बाद में जो है जो भी एग्ज़ाम कैंसिल की गई थी, सितंबर अक्टूबर के बाद से जो है अगले जो महामारी में जो है सितंबर अक्टूबर के बाद से सारी एग्ज़ाम को धीरे धीरे एक एक करके लेना चालू हो गया था, उसी तरह उसके अनुसार मैं एक संभवतः आपको यह बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, कि यह अगर 1 से 2 महीना में कोरोना महामारी अगर जो है अगर यह कंट्रोल हो जाता है, सही हो जाता है, कुछ हद तक अगर इसका कोई निष्कर्ष निकल जाता है, तो ऐसा देखा जा सकता है इससे रिलेटेड जो है नवंबर दिसंबर तक इससे रिलेटेड जो है
कुछ नोटिफिकेशन पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आगे की सबसे बड़ी अपडेट जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला जो भी सबसे बड़ी अपडेट होगी मैं आपसे रुख करूँगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए तब तक आगे अगले न्यूज़ के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।